अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू खान्स टू सेंस। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज है न्यूज़पेपर रीडिंग का तीसरा दिन, जिसमें हम डाइसेक्ट करेंगे 15 सितंबर वेनसडे का डॉन न्यूज़पेपर। हम इसको डाइसेक्ट करेंगे विद द लेंस ऑफ अ सीएसएस एस्पायरेंट, जैसे हमने पिछली वीडियोस में किया कि एक सीएसएस एस्पायरेंट को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए कौन सी इन्फॉर्मेशन पढ़नी चाहिए, उसको कैसे जॉट डाउन करना है और किस टॉपिक पे उसको वो कोट कर सकते हैं। आज के अगर डॉन की न्यूज़पेपर की बात कीजिए तो इसमें बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। एंड मैं बताती चलूँ कि जरूरी नहीं कि आप डेली जब न्यूज़पेपर पढ़ें तो आपको डेली काम की बातें मिले। देयर आर टाइम्स जब कंटिन्यूअसली 2 to 3 days आपको एक लफ्ज भी नहीं ऐसे मिलता जिसको आप कोट करें या आपके काम का हो, तो दैट्स टोटली फाइन। बट आपने डेली इसको न्यूज़पेपर को पढ़ना जरूर है। आज के न्यूज़पेपर में जो 2 से 3 बातें मिली हैं वो बाकी दिनों में नहीं थी। उस नोयत का टॉपिक हमें बाकी दिनों नहीं मिला जिसको मैं आपके सामने डिस्कस कर सकती हूँ। एंड आई एम हैप्पी कि आज के न्यूज़पेपर में उस तरह की बातें सामने आई हैं, ताकि मैं उसके रिगार्डिंग भी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँ आपके साथ। सबसे पहले हम फ्रंट पेज की बात करें तो एज सच कोई खास बात नहीं है, बट आपने हेडलाइन सारी पढ़ लेनी है। बैक पेज पे भी इसी तरह जो इंटरनेशनल पेजेस हैं उन पर भी बस आपने सर से निगाह सब पे डाल लेनी है, हेडलाइंस पे इन डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं। अब हम बात करते हैं अपने सेंट्रल पेज की, जहाँ पे आते हैं एडिटोरियल्स एंड ओपिनियंस। आज के एडिटोरियल्स जब मैंने देखे तो उसमें एज सच इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जिसको आप कोट करें, या फिर जनरल इन्फॉर्मेशन या जनरल रीडिंग के लिए भी एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो यू कैन स्किप दोज एडिटोरियल्स। अब बात करते हैं आर्टिकल्स की। सबसे पहले आप मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि पेपर में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपने अपना स्टांस को प्रूव करना है। यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन, यू हैव टू गिव योर स्टांस और यू हैव टू स्टेट योर आर्गुमेंट इन दैट रिगार्ड। फॉर एग्जांपल, पेपर में क्वेश्चन आता है कि सिंगल नेशनल करिकुलम को आप सपोर्ट करते हैं या नहीं करते, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो हम फेलोज का डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ओपिनियन है कि होना चाहिए विद सर्टेन अमेंडमेंट्स एंड इट्स अ ग्रेटर स्टेप, और हम सब वक्त के साथ, हर गुजरते साल के साथ इसको फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी एट दिस मोमेंट हमें इसको निगेट नहीं करना चाहिए, ये मेरा स्टांस है। आप में से बहुत सो का होगा कि सिंगल नेशनल करिकुलम नहीं होना चाहिए, मतलब हर किसी का अपना अपना स्टांस है। तो जब आप आर्टिकल्स को पढ़ें तो काइंडली थोड़ा सा अपना स्टांस दे के नोट डाउन किया करें चीजें। अब ये जो आर्टिकल है बाय जाहिद हुसैन, ही इज ऑथर ऑफ नो विन वॉर, यहाँ पे मेंशन भी है, तो इन्होंने जो स्टांस दिया है ये एक तरह से सिंगल नेशनल करिकुलम के नेगेटिव साइड पर है कि इसमें ये खामियां हैं और ये वो। मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करती, इसलिए ये आर्टिकल मेरे काम का नहीं। आप में से जो इनके स्टांस को सपोर्ट करते हैं, आपके लिए इसमें से बहुत से काम की बातें हैं, बेशक आप इसको इन डिटेल डाइसेक्ट कर लें। अब बात करते हैं कि इन्होंने इनकी एक बात मुझे अपने आर्गुमेंट के रेलेवेंट लगी, जिसको मैं अपने पेपर में कोट कर सकती हूँ, तो मैंने इसको हाईलाइट कर लिया है। दैट इज दैट आर बुक्स आर फ्रोजन इन हिस्ट्री एंड आर रिग्रेसिव, देयर हैज नॉट बीन एनी एफर्ट टू चेंज देम। अब आप कहेंगे कि इसमें ऐसे क्या खास बात है, तो बच्चा जानता है कि हमारी किताबों में हिस्ट्री फ्रोजन है और कोई खास चेंज नहीं हुआ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि पेपर में मेरी और आपकी बात की कोई अहमियत नहीं है जब हम एग्जामिनर हम मेरी और आपकी बात पढ़ेगा। अहमियत उस चीज की है कि जहां बात हम कर रहे हैं उसको हम किसी और के साथ उसको सपोर्ट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, जाहिद हुसैन इज अ फेमस ऑथर, मलिहा लोधी इनको बहुत कोट करती हैं, यकीनन एग्जामिनर भी इनको जानते होंगे। तो जब मैं अपना आर्ग्यूमेंट दूंगी कि हमारी किताबें ऐसी हैं, रिग्रेसिव हैं, इनको अपडेट करना है जो भी है, और साथ में मैं बोल्ड मार्कर के साथ इनकी कोटेशन लिख दूं और आगे लिख दूंगी कि जाहिद हुसैन अपने आर्टिकल में आ ग्रेटली बैकवर्ड में ये लिखते हैं, तो एक तरह से मेरा आर्ग्यूमेंट ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा और कहेंगे कि मैं कोई ऑथेंटिक बात कर रही हूँ। वैसे तो मेरी थियोरेटिकल बात होगी ना कि बस मैं अपना व्यू दे रही हूँ। तो आई होप आई एम मेकिंग सेंस इन दिस रिकार्ड कि आपने इस तरह कोटेशंस को उस राइटर के नाम के साथ नोट डाउन कर लें और पेपर में लिख दीजिएगा। और ये इतनी आसान बात है, और ये तो हम सब जानते हैं इस चीज को कि किताबें सही नहीं, अपडेटेड नहीं है, तो क्यों ना साथ किसी और का नाम भी हम लिख के पेपर में लिख देंगे, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प आउट अस इन गेटिंग मोर मार्क्स। अब बात करते हैं एक और चीज की आज के आर्टिकल आज के न्यूज़पेपर में। आपको ना सिर्फ फैक्ट्स चाहिए पेपर के लिए, आपको ना सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए, बल्कि आपका राइटिंग स्टाइल जो है वो भी इम्प्रूव होना चाहिए। तो न्यूज़पेपर पढ़ते हुए कभी कभार आपको बड़ी कैची लाइंस मिलती हैं। दैट कैन बी एन इंट्रोडक्टरी लाइन,
दैट कैन बी अ कंक्लूडिंग लाइन। इवन ये भी हो सकता है कि आपको कोई मजे का idiom भी मिल सकता है, कोई फ्रेज। तो आज की न्यूज़पेपर पढ़ते हुए मुझे एक लाइन मिली और बहुत अच्छी थी, इसको मैं नोट डाउन कर लूंगी। मेरे सामने भी वो रजिस्टर नहीं मौजूद जिसमें मैं जो इस तरह की कैची लाइन्स होती हैं उनको लिख लेती हूँ, वक्तन फवक्तन उनको रिवाइज करती हूँ, या जब मैं ऐसे लिख रही हूँ तो उनको देख लिया और साथ साथ वो फिर एक तरह से मेरी राइटिंग में इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। ये एक लाइन है कि वन ग्लीमर ऑफ होप लाइज इन द, आगे जो भी बात है। अब ये वन ग्लीमर ऑफ होप लाइज इन, मुझे बात अच्छी लगी ये लाइन, ये वर्ड्स। अब मैं अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसे में या अपने किसी क्वेश्चन में रिकमेंडेशंस दे रही हूँ, सजेशंस दे रही हूँ, या वहां पे मुझे कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट लेकर आना है किसी कयास वाले क्वेश्चन में, जब मैं बताऊँ ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, और कहीं ना कहीं मुझे अच्छी बात भी बतानी है कि ये भी एक हमारे पास उम्मीद का जरिया है, तो वहां पर मैं ये लाइन लिख सकती हूँ कि वन ग्लीमर ऑफ होप लाइज इन। अब यहाँ पे मुझे बहुत से फॉलोअर्स ये भी कहेंगे कि भाई इतनी छोटी बातें कौन याद करता है, या ये तो फिर रट्टा लगाना होगा। आई टोटली अग्री। देखिए, इंग्लिश इज नॉट आवर मदर टंग, और ना ही हम इसको इतना ज्यादा यूज करते हैं कि हमारी जो राइटिंग है वो ब्यूटीफुल हो, कहते हैं ना ब्यूटीफुल राइटिंग, उस सेंस में कि हमारे सिंटेक्स का पता हो और बहुत ही कैची लाइज हो, ये हमें नहीं आती, तो ये मुहावरे नहीं आते। तो इसलिए आपको थोड़ी एफर्ट्स डालनी पड़ती हैं अपने राइटिंग स्टाइल को, एक्सप्रेशन को खूबसूरत बनाने के लिए। इसलिए ये मेरी एफर्ट्स हैं, आप अगर अडॉप्ट करना चाहते हैं यू शैल अडॉप्ट इट, आपका टोटली राइट है अग्री या डिसअग्री करने का। एनीवेज, अब बात करते हैं एक और आर्टिकल की, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज के दिन मुझे ये आर्टिकल मिला, ताकि इसके बारे में भी टिप्स शेयर करूं। कभी कभार आपको जो आर्टिकल्स मिलते हैं वो डायरेक्टली आपके किसी टॉपिक के रेलेवेंट आपको नहीं नजर आते और आप स्किप कर जाते हैं, बट अगर थोड़ा सा उसको इन डिटेल आप नेट पर थोड़ा सर्च कर लें तो बिलीव मी दोज आर्टिकल्स कैन डू वंडर्स इन योर प्रिपरेशन। अब आप मेरे सामने ये मौजूद है एक आर्टिकल, अनवंडरफुल वर्ल्ड। इसका इंट्रो मैंने पढ़ा, बड़ा ही काम का लगा कि कोल्ड वॉर के टाइम पर यूनाइटेड स्टेट्स ने कल्चरल इनिशिएटिव लिया जिसके उसने सॉफ्ट पावर दिखाई, उनके जो म्यूजिशियंस थे या आर्टिस्ट थे इन्होंने ना टूर पे भेज दिया करते थे मुल्कों में, ताकि वो अपनी एक सॉफ्ट इमेज प्रिडिक्ट करें दुनिया के सामने। और इसी में उन्होंने क्या किया, जो अफ्रीकन्स थे, अफ्रीकन स्लेव्स के जो आगे से नस्ल चलती आ रही है अमेरिका में, और वो म्यूजिशियंस बन गए हैं या कोई आर्टिस्ट बन गए, तो उन्होंने उनको बड़ा प्रमोट किया ताकि लोगों को बताएं कि देखिए अमेरिका में किस तरह व्हाइट ब्लैक का डिवाइड खत्म हो रहा है, और एक पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड में हम किस तरह रह रहे हैं, मतलब इस तरह की बातें। तो ये बड़ा अच्छा आर्टिकल है आया, मैंने दोबारा रीडिंग ली, फिर मैंने नेट पे इसको सर्च किया, एंड रियली इट हेल्प्ड अस अ लॉट इन द सेंस कि इस आर्टिकल में इन्होंने टारगेट किया है ग्लोबलाइजेशन को, कि किस तरह मौजूदा ग्लोबलाइजेशन में हम ये नहीं कह सकते कि हर कंट्री फ्री है, या फिर हम ये कहें कि हम कॉलोनियलिज्म के दौर से गुजर गए एंड नाउ वी आर फ्री। नहीं, इनका कहना है भी हम कॉलोनियलिज्म में हैं, लेकिन इसकी शक्ल थोड़ी मुख्तलिफ है। यहां पर उन्होंने एग्जाम्पल दी है कॉन्गो की, कि कॉन्गो जो पहले कॉलोनाइज था, जब यहाँ पे कॉलोनियलिज्म एक तरह से एंड हो गई बाजाहिर के बेल्जियम यहाँ से चला गया, तो ये एक सूबे का नाम है कटांगा, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली। ये जो सूबा था कॉन्गो का, ये कॉन्गो से अलग हो गया, और इस सूबे में बहुत ही ज्यादा कहते हैं इनरिच सूबा था, किस चीज में, मिनरल्स में, माइनिंग वगैरह में। तो ये जो बेल्जियम और बाकी कंट्रीज जहां से चली गई थी कॉलोनाइजेशन के बाद, उन्होंने भी चुपके से इसकी मूवमेंट्स को बड़ा सपोर्ट किया ताकि ये सूबा कॉन्गो के मुल्क से अलग रहे। मैं एग्जांपल देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान है, अल्लाह ना करे कि कॉलोनाइज्ड होता, और कॉलोनाइजर्स जाने के बाद इधर से बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी करते रहते ताकि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाए, एंड दैट इज एनरिच्ड इन मिनरल्स। इस तरह कटांगे के सूबा को इन्होंने अलग किया, और यहाँ के जो हेड ऑफ स्टेट थे कॉन्गो के, उन्होंने बेल्जियम के खिलाफ थे वो, जैसे उन्होंने लिखा हुआ है कि वी आर योर मंकीज नो मोर, कि अब हम आजाद हो गए। इस तरह की पूरी कहानी है कि किस तरह यूनाइटेड नेशंस ने भी हेल्प आउट नहीं किया कटांगा को, इवन ये जो इनके हेड ऑफ स्टेट है इनको मरवा दिया गया, जला दिया गया, इनके एक और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उनका प्लान क्रैश कर दिया गया। तो एक तरह से हमें ये मालूम पड़ता है कि कहीं ना कहीं कॉन्गो आजाद नहीं था, फॉरेन कंट्रीज का फिर भी इस मुल्क में हाथ चल रहा था, और अल्टीमेटली जो पेट्रियोटिक लीडर्स थे उनको सीन से हटा दिया गया, मरवा दिया गया। और इसी तरह यहाँ पे एंड पे इनकी बात आती है कि यहाँ पे मेरे ख्याल से पिछले महीने भी कोई कूप हुआ था इस इलाके में कॉन्गो के, और जिसमें अभी तेरी आ रही है कि कहीं ना कहीं पीछे बाकी कंट्रीज का हाथ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनिंग इंटरेस्ट बहुत है कंट्रीज का, जैसे कि आजकल कहते हैं कि काबुल में या अफगानिस्तान में भी
बाकी कंट्रीज जो अफसोस कर रही हैं कि यूएस क्यों चला गया, या यूएस का जो अफसोस है वो वहां पे माइनिंग का है कि वहां पे बहुत अच्छे मिनरल्स मौजूद थे। तो इस तरह के आर्टिकल्स को मैं पढ़ लें, इस तरह का क्वेश्चन अब आपको पॉलिटिकल साइंस में आईआर में हेल्प कर सकता है, ग्लोबलाइजेशन के रिलेवेंट अगर क्वेश्चन आता है, और करंट अफेयर्स में तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू आउट। तो आज के न्यूज़पेपर के लिए मैं इतनी इन्फॉर्मेशन थी जो काम की थी, आई होप दिस विल हेल्प यू आउट। और कल लास्ट डे है न्यूज़पेपर रीडिंग का, इसके रिलेवेंट आपकी कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।